तो गाइस उस खतरनाक से भूखे शेर को अपने गेम में लाने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जाना है अपने डायलर पे और रोहित भाई को फोन करना है और यहाँ से ना। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस आज के इस वीडियो में ना मैं आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में जो प्लगइन ऐप है ना उसके जितने भी नए नए अपडेट्स आए ना वो सारे आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। और साथ ही में हम देखने वाले हैं कि कैसे अपने गेम में नए नए एनिमल्स को और नए नए व्हीकल्स को कैसे ला सकते हैं। जी हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने गेम में ना एक डेंजरस लोयन को स्पॉन करवा सकते हैं, यानी कि एक खतरनाक से शेर को कैसे अपने गेम में ला सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है ना, तो गाइज आप किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको एक रेड वाला बटन दिख रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जाके उस पर प्रेस करना है, यानी कि उसको दबाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये हम आ चुके हैं अपने गेम में और ये अपना फ्रैंकलिन भाऊ बिल्कुल रेडी पड़ा है। तो एक काम करते हैं, चलने से पहले इधर देख लेते हैं। भाई इधर फैन किसने बंद कर रखा, भाई कौन है जो हमारे घर में आके मेरा पंखा ही बंद कर गया। तो मेरे को इसको चालू करना पड़ेगा, इसका स्विच तो हमें मिलेगा नहीं। तो गाइज अपने इस फैन को चालू करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जाना है अपने RGS टूल वाले पे और यहाँ जाने के बाद ना FANON यानी कि फैन ऑन को टाइप करके टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे ये देखो भाई अपना पंखा फुल स्पीड में चल चुका है और अपना AC तो एज यूजल चालू ही रहता है बट अपना TV बंद ही रहेगा। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं और देखते हैं इस गेम में क्या क्या नए नए अपडेट्स आए हैं और मैं आपको सारे ना एक एक करके बताने वाला हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया गाइस हमने स्विमिंग पूल में अपने स्विमिंग भी नहीं करी, तो इसको हम करेंगे बाद में, लेकिन चलते हैं मैं जल्दी से आपको सारे जितने भी नए नए अपडेट्स आए ना सारे बताने वाला हूँ। एक काम करते हैं आज इसकी दीवार को कूद के चलते हैं। चल भाई फ्रैंकलिन छलांग लगा और जिम की पावर दिखा दे। ओ भाई साहब ये देखो, अरे भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है फ्रैंकलिन भाऊ, गिरने के लिए नहीं कहा, एक तो मैं तेरे को हीरो बना रहा हूँ और तू कैसे मेरी तो बेइज्जती करा दी गाइस इसने। कोई बात नहीं, तो जल्दी से चलते हैं गाइस और मैं आपको सबसे पहला अपडेट बता देता हूँ। तो सबसे पहला अपडेट है गाइस फटफट करने वाले ट्रैक्टर का, यानी कि फार्म ट्रैक्टर का, उसको लाने के लिए ना हमें बस 9 पे कॉल करना है। जैसे मैं 9 पे कॉल करूँगा ये देखो गाइस अपने गेम में फटफट करने वाला ट्रैक्टर यानी कि फार्म ट्रैक्टर आ चुका है। और ये क्या भाई, ये क्या हो रहा है, ये इधर से तो धुआं निकल रहा है भाई, ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो गाइज इससे तो ये ना बिल्कुल रियल वाला अपने खेत का ट्रैक्टर लग रहा है। और ये देखो इसकी डंडी कितनी ज़बरदस्त फील देती है। तो अगला अपडेट है हमारा ओमनी वैन का, ओमनी वैन को लाने के लिए आपको 7 पे कॉल करना है। जैसे आप 7 पे कॉल करोगे ना ये देखो भाई एक बहुत ही ज़बरदस्ती और बहुत ही चमकती हुई ओमनी वैन इधर आ चुकी है अपने गेम में। तो एक काम करते हैं इसको भी ना ब्लू कलर कर देते हैं, क्योंकि गाइज ये देखो अपना फटफट वाला ट्रैक्टर भी ब्लू है और ओमनी वैन भी ब्लू है। और आज के इस गेम में ना हम हर चीज़ को ब्लू करके प्ले करने वाले हैं। तो आज हमारा चैलेंज रहने वाला है ब्लू चैलेंज इस गेम के अंदर। तो अगला अपडेट होने वाला है गाइस स्विफ्ट कार का, और स्विफ्ट कार को अपने गेम में लाने के लिए आपको 8 पे कॉल करना है। जैसे आप 8 पे कॉल करोगे ये देखो भाई स्विफ्ट कार अपने गेम में आ चुकी है। तो एक काम करता हूँ इसको भी जल्दी से जाके इसका कलर चेंज कर देते हैं और इसको ना ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये हो चुकी है गाइज, ये भी ब्लू कलर की हो चुकी है। तो गाइज अगला अपडेट है हमारा KGF बाइक का, और उसको लाने के लिए आपको पता ही होगा 1 पे कॉल करना है। और ये देखो भाई KGF बाइक जैसे आई और ये स्विफ्ट कार कितनी दूर जाके पड़ी है। तो एक काम करता हूँ इस KGF बाइक को भी ब्लू कलर में कर देता हूँ। ये देखो भाई अपनी KGF बाइक ब्लू कलर में कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इस बाइक की। तो एक काम करते हैं इधर से लैम्बोर्गिनी टैरसो को भी बुला लेते हैं और उसका चीट कोड रहने वाला है 2। और ये देखो भाई जितने भी नए नए व्हीकल्स थे ना मैंने आपको सारे एक एक करके बता दिए हैं, लैम्बोर्गिनी टैरसो, KGF बाइक, स्विफ्ट, ओमनी वैन और ये फटफट करने वाला ट्रैक्टर। और गाइज अब मैं आपको ना जितने भी इस गेम में एनिमल्स आए ना वो सारे एक एक करके बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ना इस ओमनी वैन को इस मेगा रैंप पे कूदा के देखते हैं और देखते हैं गाइज इसके अंदर कितनी पावर है। और ये देखो भाई कैसे भाग रही है, ओ भाई साहब फ्रैंकलिन तो हैवी ड्राइवर हो रखा है बिल्कुल, ये देखो पूरी कार को ही पलट दिया इसने। तो भाई आराम से लैंडिंग कर, भाई 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 कुछ नहीं हुआ। ये देखो भाई जैसे मैंने इधर लैंडिंग करी अपनी ओमनी वैन के दोनों साइड के गेट इधर टूट के गिर चुके हैं। कोई बात नहीं, ये देखो कितनी जबरदस्त ड्रिफ्ट मारती है। तो गाइज अपना अगला अपडेट है कि हम अपने गेम में कैसे इंडियन बफेलो को यानी कि भैंस को ला सकते हैं, और उसके लिए ना हमें 10 यानी कि 10 पे कॉल करना रहेगा। जैसे मैं इस पे कॉल करूंगा ये देखो भाई अपनी देसी भैंस यानी कि इंडियन बफेलो अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में आ चुकी है। ये देखो भाई
कितनी खतरनाक है और इसकी लाल लाल आंखें। और ओ भाई ये क्या था भाई, ये क्या हुआ, ये भैंस खुद मेरी गाड़ी पे जाकर टकराई और ये देखो मर चुकी है। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। तो अगला अपडेट जो है ना गाइज मैं आपको बता देता हूँ, वो है स्नेक मॉन्स्टर का। जैसे मैं 4 पे कॉल करूंगा, ये देखो एक इच्छाधारी नागिन, हरे कलर की नागिन अपने गेम में आ चुकी है और ये कैसे मटक मटक के इधर डांस करती है। और अगला अपडेट है गाइज हमारे ईगल मॉन्स्टर का, ईगल मॉन्स्टर यानी कि चीगल मॉन्स्टर का, और ये आ चुका है अपने गेम में ईगल मॉन्स्टर। गाइज अगला अपडेट है हमारा एलिफेंट यानी कि हाथी राजा का, और एलिफेंट को अपने गेम में लाने के लिए ना आपको सिंपली 6 पे कॉल करना रहेगा। जैसे आप कॉल करोगे ये देखो भाई ये एलिफेंट यानी कि जॉइंट सा एलिफेंट अपने गेम में आ चुका है। तो गाइस ये सारे एनिमल्स ना हमने अब तक देख लिए थे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने गेम में ना खतरनाक से लायन को ला सकते हैं, यानी कि खतरनाक से शेर को अपने गेम में कैसे ला सकते हैं। गाइस अपने गेम में शेर को लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जाना है जो अपना प्लगइन वाला ऑप्शन है ना उसमें जाके एक लिंक को पेस्ट कर देना है, और वो लिंक आपको इधर उधर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो लिंक आपको गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे जाके आपको उस लिंक को पेस्ट करना रहेगा। A few moments later. तो गाइस ये देखो जो आपको प्लगइन का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको इस पे क्लिक करना है, और ये देखो इधर भी लिखा आ रहा है यानी कि मेक श्योर योर इंटरनेट कनेक्शन इज ऑन। तो गाइज अगर आप प्लगइन वाले ऑप्शन को यूज करने वाले हो ना तो आपका हमेशा इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहना चाहिए। तो गाइज इधर जो इंस्टॉल का बटन दिख रहा है ना आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे इंस्टॉल करोगे ना यहाँ पे आपका जो लिंक है वो इधर पेस्ट हो जाएगा, यानी कि इंस्टॉल हो जाएगा इस गेम में। और ये देखो गाइज इधर लिखा आ चुका है फाइल लोडेड, यानी कि अपनी लॉयन वाली यानी कि शेयर वाली फाइल अपने गेम में लोड मैंने करवा दी है, और अब मेरे को सिंपली अपने गेम को स्टार्ट करना रहेगा। तो गाइज ये देखो ये सारे एनिमल्स और व्हीकल्स तो आपने देख लिए होंगे। ये क्या हुआ, इधर कुछ तो हुआ भाई, कुछ तो हुआ है, मेरी गाड़ी में कैसे आग लगी, और ये ईगल मॉन्स्टर कैसे मर गया भाई, ये मेरी गाड़ी का शीशा भी इसने खोल रखा है। तो गाइस जैसे आप ना प्लगइन वाले ऑप्शन में जाके उस लिंक को पेस्ट करोगे उसके बाद आपको दोबारा अपने गेम को रीस्टार्ट करना रहेगा, और रीस्टार्ट करके जैसे आप अपने गेम में आओगे ना तो गाइस मैं आपको अब बता देता हूँ कि कैसे आप लोयन को अपने गेम में ला सकते हो, यानी कि कैसे उस खतरनाक से शेर को अपने गेम में ला सकते हो। तो गाइस उस खतरनाक से भूखे शेर को अपने गेम में लाने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जाना है अपने डायलर पे और रोहित भाई को फ़ोन करना है, और यहाँ से ना 11 यानी कि 11 पे कॉल कर देना है। जैसे आप इस पे कॉल करोगे ये देखो भाई ये खतरनाक सा लोयन अपने गेम में आ चुका है। असंभव, ये देखो भाई कितना खतरनाक लग रहा है भाई ये लोयन तो, और ये कितना गाइस डरावना लग रहा है भाई मेरे को, ये कितना डरावना लग रहा है ये शेर तो, पता नहीं कितना भूखा है, कभी मेरे को खा जाएगा ऐसा लग रहा है। एक काम करता हूँ पीछे हो जाता हूँ। तो गाइस मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इस शेर खान को अपने गेम में लाने के लिए ना आपको डायलर पे जाके 11 पे कॉल कर देना है। जैसे आप 11 पे कॉल करोगे ये देखो भाई ये आ चुका है अपने गेम में शेर, और ये कितना अलग सा लग रहा है गाइस जो मैंने पहले शेर इधर स्पॉन करवाया था उससे। गाइस ये देखो शेर कितना खतरनाक सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी खा जाएगा, इसकी आँखें देखो भाई कितना डरावना लग रहा है। एक काम करते हैं इसे पंगा लेने की ट्राई करते हैं, तो इसे पंगा लेने से पहले ना अपनी हेल्थ को इनफाइनाइट कर देते हैं, और उसके लिए मेरे को 9129 पे कॉल करना रहेगा। और ये देखो गाइज लिखा आ चुका है अपनी हेल्थ इनफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड हेल्थ हो चुकी है। अभी शेर खान को बुलाता हूँ, देखता हूँ ये कैसे भाग भाग के आएगा मेरे पास। तो ये देखो भाई कैसे भाग भाग के आ रहा है, ये देखो भाई, ओ भाई क्या छलांग मारी मेरे पे। तो गाइज ये मेरी हेल्थ को ख़त्म कर रहा है, जल्दी से उसको मारना पड़ेगा। मैंने तो अपनी इनफाइनाइट हेल्थ कर ली थी लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और ये देखो इसकी ये मरने की आवाज़ तो ऐसे आ रही है जैसे गाय की नहीं आती, गाय की आवाज़ की तरह शेर मर रहा है। ये देखो भाई इसका हाथ कैसे इधर वाइब्रेट कर रहा है, ये इसका वही पंजा है जिसे मार के ना मेरे मुंह पे इतनी देर से मार रहा था जिसको। ये देखो मैंने इसको यहाँ पे ढेर कर दिया है इसको। तो गाइस अगर आपको ये वाला अपडेट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और आपने इस वीडियो को एंजॉय करा हो ना तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। और ये देखो भाई ये शेर एक इधर भी घूम रहा है, इसको भी बुला लेते हैं अपने पास। आजा शेर खान के बच्चे, ये देखो भाई कैसे भाग भाग के आ रहा है, कितना डरावना लग रहा है गाइस ये, कितना खतरनाक लग रहा है। और देखो जैसे मैं इसको किल कर रहा हूँ इसकी पूछ तो एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो जा रही है, और इसका ये हाथ अगर आपको दिख रहा हो ना नीचे फ्लक्चुएट यानी कि इधर वाइब्रेट कर रहा है नीचे कंटिन्यूसली। तो एक काम करते हैं गाइस, जो ये सारे एनिमल्स हैं ना इनको भी किल कर देते हैं, और मैं इनको किल करने वाला हूँ अपनी ओमनी वैन की मदद से। तेरा सांप के बच्चे इधर, ये देखो भाई 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 आवाज़ तो आई है, मेरे को लगा तो है यार एक स्नेक खत्म हुआ है यानी कि मर चुका है। तो भाई अब मैं इसको उड़ाने वाला हूँ, और ये गया ग्रीन वाला स्नेक, ये देखो भाई, ओ भाई इसने तो मेरी पूरी वैन ही पलटा दी यार।
अब तक के गाइस जितने भी एनिमल्स आए ना, इन सब एनिमल्स में मेरे को तो ये वाला यानी कि स्नेक मॉन्स्टर ही सबसे खतरनाक लगा है भाई।